लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पर पढ़नी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स को करना चालू किया था, तो कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स में हम कुछ प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए ये प्रॉब्लम, ये कैसा प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये इस तरह का अरेंजमेंट है, सब लोग देखिए ध्यान से। देर आर टू मासेस, ये दो मासेस हैं यहाँ पर और ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। इस तरह ये जो पहला मास है, तो ये पहले मास का नाम है M1, दूसरे का नाम है M2 और ये फिक्स्ड है, ठीक है बेटा। M1 आपको दिया है 2 kg और M2 आपको दिया है 4 kg और आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स है इनका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमने नहीं किया है, लेकिन ये आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बड़ा आसान हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ और फिर आपको करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। पहले इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, देखिए इसको कैसे करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। स्टेप नंबर वन क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। चलिए, क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? M2 के लिए कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, क्या आप बताएंगे मुझे? एमजी MG, शाबाश। किधर? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन शाबाश। M2G डायरेक्शन नाम होगा इसका। कितना होगा ये M2, कितना है? 4 kg है, तो ये 14 न्यूटन क्योंकि जी का वैल्यू 10 लेते ऊपर। हैं हम हमेशा, ये याद रखना। हाँ सर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन। शाबाश। टेंशन, वेरी गुड। हाँ एनी सर, अदर फोर्स? कोई नो फोर्स? सर, ये नो सर, नो नीचे नो सर, आएगा विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो आइए इस पहले वाले का इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर M2G के लिए क्या करना होगा, कौन सा समेशन? समेशन FY मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए, तो हमें क्या करना है, जिस दिशा में फोर्स है, जिस दिशा में फोर्स है उस तरफ फोर्सेस को पॉजिटिव ले लो, या फिर ऐसा करो अपना अपना जिस सीधा दिशा में सीधा। एक्सेलरेशन है ना, हाँ, टी माइनस 40 इक्वल्स टू मास इनटू माइनस ए, और एम कितना है यहाँ पर? 4 है, तो ये बन जाएगा टी माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 4a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ये हुआ पहला इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। M1 के लिए इसका खुद का mg की तरह एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। M1 कितना है? M1 M1 है 2 kg, तो ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ऊपर की तरफ कोई फोर्स रहेगा क्या? नॉर्मल हाँ रहेगा। क्या नाम है उसका? नॉर्मल रिएक्शन। क्यों भाई, नॉर्मल और कोई फोर्स है इसके ऊपर? नो सर, है ना, टेंशन 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 है ना, है ना जी, टेंशन है ना, तो टेंशन। शाबाश, ठीक है। अब क्या करना है बताइए।
समेशन ऑफ मोर ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. समेशन fx लिखो कि fy लिखो? fx ना सर. हां fx. समेशन fx लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा. नहीं समझे? हां सर. So summation fx equals to mass into acceleration. और x दिशा में सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा है वो? T. टेंशन equals to 2a. बात खत्म. Yes or no? Yes sir. T equals to 2a. कितनी सिंपल सी बात हो गई. fy दिशा में कोई मोशन हो रहा है क्या m1 का? नहीं नहीं सर. m1 हॉरिजॉन्टल जाएगा, m2 नीचे आएगा, तो m1 राइट साइड में चलेगा, खिसकेगा, है ना? तो इसका मतलब ये जो टेंशन था वो इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2a पुट अप कर दें तो अपना काम बन जाएगा. सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देयरफॉर वी गेट 2a minus 40 is equals to minus 4a. So 2a plus 4a equals to 40 and 6a equals to 40 and therefore a equals to 40 by 6. That means 20 by 3. That is your acceleration, which is 6.66 unit rahega meter per second square. Clear? Yes, sir. Make it fast, everyone. Did, sir. Great. Very good. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इस तरह का एक दूसरा प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको, देखते हैं कौन इसको कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसमें ये है 1 kg, ये फिक्स्ड है आपका, ये है 2 kg, ये है 3 kg. आपसे पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ All the blocks, सारे blocks का acceleration कितना कर सकते हो? Yes sir. हाँ sir, try करते. चलो try करो सब लोग.
हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ mg इक्वल्स टू कितना रहेगा वो 20 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर ये पता नहीं, ये 3 kg नीचे जाएगा या 2 kg नीचे जाएगा, ऐसा मान लेते हैं ये नीचे जाएगा। तो मान लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर a से इधर जा रहा है ऐसा मान लिया आपने, और फाइनल जो आंसर आपका बनेगा, अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया वो सही है। अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो समझ लेना कि इसको उल्टा करना है। तो ये नीचे जा रहा है ऐसा समझ लो, mg टेंशन ऊपर, स्ट्रिंग पूरा एक ही स्ट्रिंग है इसलिए हर जगह पर टेंशन सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। और इधर टेंशन t है तो इसको t1 नाम दे देते हैं, और इधर टेंशन t1 रहेगा, इधर t1 तो इधर भी t1। उसी तरह अगर यहाँ पर टेंशन है t2 तो यहाँ पर भी टेंशन t2 होगा, ये ध्यान रखना होगा। ध्यान रखो यहाँ पर t, यहाँ पर t, यहाँ पर t, यहाँ पर t, ऐसा नहीं हो सकता। पुली के दो साइड में सेम हो सकता है लेकिन ये 1 kg के दो साइड में सेम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो और ये t1 ऊपर, इधर नीचे कौन खींच रहा होगा 30 न्यूटन mg। चलो इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस में सबसे पहले 2 kg के लिए, 2 kg के लिए इक्वेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो t1 पॉजिटिव होगा, t1 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a, यस और नो, सिंपल राइट, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 kg के लिए, 1 kg के लिए अगर करना है तो देखो बेटे इसमें x और y एक्सिस कंसिडर कर लो, ये है x एक्सिस और y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस अगर देखा जाए तो x एक्सिस में t1 पॉजिटिव है तो t1 माइनस t2 नेगेटिव है इक्वल्स टू, ये जा रहा है लेफ्ट में इसलिए नेगेटिव माइनस ऑफ 1 इनटू a, तो इसलिए ये माइनस अगर इस साइड में चला आएगा तो ये बनेगा t2 माइनस t1 इक्वल्स टू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहां पर भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, ध्यान में रखना नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव तो t2 माइनस 30 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 3a, ये जो माइनस है वो इस साइड में आएगा तो 30 माइनस t2 हो जाएगा, समझा, ये 30 माइनस t2 इक्वल्स टू सर 2 मीटर पर सेकंड है क्या सर, 2 मीटर पर सेकंड देखते हैं। चलो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस आ गए तो आराम से सॉल्व हो सकता है ना। देखो इक्वेशन नंबर 1 से t1 को ढूंढो, इक्वेशन नंबर 3 से t2 को, और दोनों को पुट अप कर दो सेकंड में, नहीं समझे बड़ा सर वो सेकंड वाला इक्वेशन बताओ ना सर, ये वाला, हाँ सर, ये राइट साइड में एक्स एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो t1 पॉजिटिव लिया मैंने, देखो ना ये t1 पॉजिटिव माइनस t2, t2 इधर खींच रहा है ना, t1 इधर खींच रहा है, हाँ सर, इधर खींच रहा है, t1 इधर खींच रहा है, समझे, तो t2 लेफ्ट में पॉजिटिव, मतलब ये t1 राइट में पॉजिटिव और t2 लेफ्ट में नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस 1 इनटू a मास इनटू एक्सेलरेशन, यस यस। अब बड़ा आसान है आगे, तो ये पहले इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखोगे तो t1 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2a plus 20, 2a plus 20
और थर्ड इक्वेशन से देखो टी टू कितना बनेगा, ये टी टू इस साइड में जाके पॉजिटिव बनेगा, 3a इस साइड में आके नेगेटिव बनेगा, 30 - 3a हो गया काम। ये टी वन को उठाओ और यहाँ पर पटक दो, और टी टू को उठाओ यहाँ से और यहाँ पर पटक दो। नहीं समझे? समझे सर। बिल्कुल, तो टी टू की जगह पर लिखना है ये 30 - 3a और माइनस टी वन, तो माइनस टी वन की जगह पर 2a + 20, तो ब्रैकेट में डाल दो इसको 2a + 20 and that should be equals to a, right? बस सॉल्व करना है इसको, 30 - 3a - 2a - 20 = a। ये -3a - 2a - 5 और उधर जाके +5, तो 5 + 1 = 6a हो जाएगा, और इधर 30 - 20 = 10 which is 6a, a बना 10/6 which is 5/3 which is हाँ सर 10/6 0.66 acceleration will be 1.66. Is it clear? Yes, sir. Yes. Right. किसी का खुद yes, sir, और एक बार समझा। हाँ सर, वो -5a + 10a + 10 = a वहाँ तक आया था सर। सर मेरे तीनों भी इक्वेशन आए थे सर, बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया। Right. हाँ सर, ये एंड में कॉल कैलकुलेशन -5a, मुझे लग रहा था सर a कट हो जाता है दोनों साइड में। Very good. मेरा 10 आया था सर, पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था। सर एक बार समझा दो मुझे। तो देखिए फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये इस तरह से अरेंजमेंट था जिसमें हमने क्या किया, ये आपका फिक्स्ड ब्लॉक है, इधर 2 kg लटक रहा है, इधर 3 kg लटक रहा है, यहाँ पर 1 kg है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये ज्यादा वजन है तो ये ज्यादा नीचे खींचेगा, ये 2 kg ऊपर खींचेगा क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है ना। तो 3 kg नीचे खींचेगा तो 30 Nm है ना, ये क्यों भाई, मास है 3, जी का वैल्यू 10, तो 3 × 10 = 30। ऊपर टी टू खींचेगा इसको, राइट, इधर वैसे ही टी वन ऊपर और ये एम जी नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, वैसे ही इधर टी टू है तो इधर भी टी टू, इधर टी वन है तो यहाँ पर टी वन, क्योंकि पुली के दो साइड में सेम टू सेम होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि लाइट पुली है और लाइट स्ट्रिंग भी है। तो इस तरह से फिर इक्वेशंस बनाए हमने। इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इक्वेशन में पहला इक्वेशन 2 kg के लिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो टी वन ऊपर तो पॉजिटिव, -20 मतलब नीचे, और ए ऊपर तो पॉजिटिव, तो 2a। पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाया हमने, यहाँ से 1 kg से, तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो टी वन पॉजिटिव टी टू नेगेटिव इक्वल्स टू, ये a नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव x एक्सिस में, इसीलिए -1 × a। इसको सॉल्व कर दिया तो t2 - t1 = a। उसके बाद 3 kg के लिए वही किया हमने, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सो t2 - 30 = -3a एंड देयरफॉर 30 - t2 = 3a। पहले इक्वेशन से t1 को ढूंढा, तीसरे इक्वेशन से t2 को ढूंढा, दोनों को उठा के पटक दिया सेकंड में। नहीं समझे? फर्स्ट से T1 को ढूंढा, थर्ड से T2 को ढूंढा, दोनों को उठा के पटक दिया सेकंड इक्वेशन में और सॉल्व कर दिया, बात खत्म, एक्सेलरेशन आ गया। कोई भी स्टेप में डाउट है तो फटाफट पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट वन वी विल। नो सर। नो सर। ग्रेट, अब बात करेंगे हम
जब आपके पास एक ऐसा रस्सी रहेगा बेटे जिस रस्सी को कुछ मास है, ठीक है, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग विद द मास, ऐसा स्ट्रिंग जिसको कोई मास हो, तो ऐसा मान लो कि आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसका वजन है 5 kg और ये स्ट्रिंग है बेटे, ये स्ट्रिंग का वजन है 0.5 kg, ये लाइट स्ट्रिंग नहीं है, द स्ट्रिंग हैज सम मास। जब इस स्ट्रिंग को कोई मास रहेगा, इसको जब कोई वजन रहेगा, तब इसके जो प्रॉब्लम्स है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपसे पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस पे मैंने फोर्सेस भी नहीं दिए ना, पहले इसको फोर्स देना पड़ेगा, इसको फोर्स लग रहा है 50 N इस दिशा में, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट नंबर वन, एट कॉन्टैक्ट विथ 5 kg मास एंड सेकेंड इन द मिडल ऑफ स्ट्रिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बेटे, 5 kg का मास है, उसको एक रोप कनेक्ट कर दिया हमने 0.5 kg वाला, उसको फोर्स लग रहा है 50 N राइट साइड में, आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द कॉन्टैक्ट विद 5 kg मास एंड सेकंड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है सर। बोलो सर, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरे स्ट्रिंग में एक ही जगह पे एक ही टेंशन लगता है, और मास है तो अलग अलग लगता है। यस, जब स्ट्रिंग मासलेस होगी तब हर जगह पर टेंशन सेम होगा, जब स्ट्रिंग को कोई मास रहेगा तब अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेंशन होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग लिख लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं, ध्यान दीजिए इस बात को, क्लाउड में लिख लेते हैं हम, क्या बात कही मैंने, फॉर स्ट्रिंग विच इज मासलेस, अगर मासलेस है आपकी स्ट्रिंग, सो उसके लिए टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है, लेकिन फॉर स्ट्रिंग विथ मास, स्ट्रिंग विथ मास अगर है तो टेंशन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, इसको लिख लो आप लोग। टेंशन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ यहां पर।
इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, क्या है सर ये? टू है सर, हर बार मुझको ड्रॉ करते हो सर आप। ये ऋषिकेश है सर, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। ये ऋषिकेश है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर पता है मेरे को, मैं ही रहता सर हमेशा। हाँ ठीक है, चलो जी भाई, लिख लिया आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अभी। यस सर। यस सर। ओके, सो हियर वी गो विद आवर प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक्सेलरेशन पूछा है क्या कहीं ढूंढने को? नहीं पूछा है। नो सर। एक्सेलरेशन फिर भी हम ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन में ही तो रिश्ता बनता है ना। चलो एफबीडी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेट अस कंसीडर द कंप्लीट सिस्टम। पहले पूरी पूरी सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं और वहां से इसका एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं, चलेगा? हाँ सर। चलिए सबसे पहले consider mass plus string. mass मतलब block, हाँ mass का मतलब block, तो मैं block ही लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो confuse हो जाओगे। consider block plus string as a system. दोनों को पहले सिस्टम मान लो। जब आप दोनों को सिस्टम मान लोगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले बेटे आपका ये ब्लॉक प्लस ये स्ट्रिंग दोनों ने समझौता कर लिया, तो इसलिए ये समझौता एक्सप्रेस यहाँ पर आ गई, जिसका वजन होगा 5.5 kg। क्या ये सबको समझा? 5.5 kg सबको समझा? हाँ सर। क्योंकि हाँ। इसका वजन कितना है? इसका वजन है बेटे 5 kg और स्ट्रिंग का वजन कितना है? 0.5 kg, तो कितना हो गया टोटल? 5.5 हुआ ना। क्लियर? अब इसको फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स 50 न्यूटन, टोटल मास, टोटल फोर्स, तो टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास, दैट इज नथिंग बट 50 डिवाइड बाय 5.5। तो इसको ऐसा कर देते हैं, इसको 500/55 कर देते हैं, और अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो ये 100/11 हो जाएगा, तो ऐसा ही रहने दो। तो ये टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, क्या ये समझा? यस सर। यस सर। जी हाँ। अब हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएं। पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट कांटेक्ट विथ 5 kg, मतलब इसका कांटेक्ट जहां पर हो रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पे टेंशन कितना है ये ढूंढना है हमें। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए कुछ नहीं, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ दिस ब्लॉक। तो 5 kg वाला अपना बेचारा बॉक्स, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है यहां पर, दैट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1, उसका खुद का MG नीचे, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर,
लेकिन हमें ऊपर वाले और नीचे वाले की बात चल ही नहीं रही है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। सो क्या टी वन इक्वल्स टू फाइव इंटू ए, तो क्या टी वन इक्वल्स टू फाइव इंटू एक्सेलरेशन आया था 100/11, तो बस रख दो 100/11, बात खत्म। आंसर आया 500/11 न्यूटन इज द टेंशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द मिडल। देखो, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड वाला है ना, इन द मिडल। अब मिडल में करना है, इसका मतलब कहाँ करना है? इस स्ट्रिंग के मिडल में। ठीक है, इस स्ट्रिंग के मिडल में। तो चलिए, अब हो जाइए तैयार। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, ये पूरा ब्लॉक और इस स्ट्रिंग का आधा पार्ट ले लेते हैं एक तरफ, और स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट रख देते हैं एक तरफ। तो ये 5 केजी वाला तो रहेगा, उसके साथ साथ ये 0.5 केजी था, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 0.25। ये एक सिस्टम मान लेते हैं इसको, कंसिडर दिस एज अ सिस्टम। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अब मिडल पे ये पूरे सिस्टम को आगे खींचने वाला कौन रहेगा? टेंशन T2 रहेगा, जो उसको आगे खींच रहा है मिडल में। इस मिडल से हमने इसको तोड़ दिया, तो आगे वाला पार्ट उसको टेंशन लगा के ही तो खींच रहा है, जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझे? ये बात समझे सब लोग कि T2 नामक जो टेंशन है वो टेंशन अलग होगा यहाँ पर, क्योंकि इस T2 को 5 + 0.25 इतने वजन को खींचना है, 5.25 kg को उसको खींचना है आगे। तो मैं कहूंगा कि समेशन Fx equals to mass into acceleration। समेशन एफ एक्स में कौन रहेगा? टी टू, क्योंकि सिस्टम किसको माना हमने? बस इतना सिस्टम माना। सिस्टम किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये मेरे ऊपर है। दिए हुए प्रॉब्लम में तोड़ मरोड़ कर कौन सा सिस्टम मुझे कंसिडर करना है ये मेरे ऊपर है ना। तो सबका एक्सेलरेशन सेम है तो उसको सिस्टम मान सकता हूँ मैं, राइट? तो टी टू इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका मास कितना बोलो? 5.25 इनटू एक्सेलरेशन, तो सबका सेम ही तो है एक्सेलरेशन, कितना है वो 100/11। आंसर आया 525/11 न्यूटन इज द टेंशन एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ।